हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हुआ है 4:30 बजे और ये प्लेस देख सकते हो और बता सकते हो ये कौन सी प्लेस है। अभी मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा आगे जाने के बाद बताऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब आने के लिए मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा फोर्स किया। सरन्या को मेरे हस्बैंड ने बताया कि चलो एक बहुत अच्छी जगह पे लेकर जाते हैं, जबकि मैं यहाँ पे 8 साल से मतलब 7 साल पूरा होके 8 साल हो गया मैं यहाँ पे रह रही हूँ गुड़गांव में। और ये जो दिल्ली का इतना फेमस टेंपल है तो मैं गई नहीं एक बार भी। तो मेरे हस्बैंड जोड़ करके पहले तो बोलती थी सरन्या छोटी है मैं नहीं जाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड इस बात तो जोड़ करके लेके गए। तो उनका कुछ काम था, उन्होंने कर लिया जो काम था, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे शाम के टाइम ही मतलब बहुत अच्छा होता है और बहुत भीड़ होता है। ये जो देख रहे हो ना, ये अक्षरधाम मंदिर है। और फ्रेंड सबसे एक बात मुझे जो सबसे मतलब अच्छे नहीं लगे, जब मैं एंट्री नहीं किया था तब मुझे बहुत बेकार लग रहा था क्योंकि इतना लाइन, इतना भीड़, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, आप मानोगे नहीं फ्रेंड, 1.5 घंटा लाइन में लगा के मतलब खड़े रह के फिर अपना सारे फ़ोन मतलब बैग सब कुछ जमा करना पड़ा था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, मतलब सब आए थे, मैं भी आई थी, हस्बैंड भी आए थे टॉयलेट में, तो उसका भी मैं खड़े होके शूट कर लिया। और ये देखो जब मैं लाइन लगाने के लिए जा रही थी उससे पहले का ये थोड़ा सा क्लिपिंग है। उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर और ये टाइम हुआ है आपका 7:30 बजे। तो 7:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, फिर लाइन लगा के अपना सामान बैग लिया। तब तक सरन्या सो गए थे, उसके पापा उसको गोदी में लेके जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड अंदर जो वाटर लाइट वाला जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने अटेंड किया, 6:30 बजे का जो टाइमिंग था उसका, तो इस वजह से लेट हुआ क्योंकि वही सरन्या को दिखाना था। और सरन्या को बहुत मज़ा आया। पर फ्रेंड अगर मैं वीडियो शूट कर पाती तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती क्योंकि इतना मज़ा किया, सरन्या इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि आप बहुत इंजॉय किया। अंदर तो खाने के लिए भी सब कुछ मिलते हैं। बस हाँ, सबसे एक अच्छी बात मुझे लगी कि किसी को अगर फ़ोन के बिना रहना होगा ना, सुबह आके ये जमा कर दे और फिर रात को निकले, तो फ़ोन के बिना भी इंसान बहुत खुश रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। ये मंदिर में आने के बाद मतलब फील हुआ, मुझे तो ये फील हुआ। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी जब थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाएगा मैं सुबह आऊँगी, एंट्री करूँगी और रात को जाऊँगी बिना फ़ोन के। और इतना अच्छा अंदर का प्लेस है, सरन्या को भी बहुत पसंद है। उसके बाद हमें लग गया था भूख, हम आ गए थे हल्दीराम। अभी भी डेकोरेशन है क्रिसमस का थोड़ा सा, और सरन्या को खाना था पापड़ी चाट, तो उसके पापा वही ऑर्डर करने गए थे, तो उसके बीच में मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और ये देखो मैंने कुछ ख़रीदा था, वो सामने पैकेट पड़ा है। तो चलो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।